जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर क्लास 10th का, ठीक है। ये चैप्टर 4 है और ये वीडियो का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग तीसरे वीडियो में देखेंगे सेल। तो सेल क्या होता है, तो देखिए बताया गया है कि वह युक्ति जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉनों के, दो इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि धन ध्रुव और ऋण ध्रुव के बीच विभवांतर बनाए रखती है, उसी को सेल कहा जाता है, ठीक है। वह युक्ति जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है उसे सेल कहते हैं। देखिए ये सेल हो गया, ये भी आपका सेल हो गया, ठीक है। ये धन ध्रुव हो गया, ये ऋण ध्रुव हो गया, ठीक है। ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव हो गया, समझ गए आप। देखिए बैटरी क्या होता है, तो सेलों के सामूहिक व्यवस्था को बैटरी कहते हैं, सेलों की सामूहिक व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। देखिए बहुत सारा, 1 2 3 हमने 3 सेल लगाया, समूहन सेलों का समूहन किया, तो ये क्या हो गया, एक बैटरी तैयार हो गया, समझ गए। इसमें भी देखिए 1 2 3 सेल लगाकर इसको भी हमने बैटरी तैयार किया है। तो सेलों की सामूहिक व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। और वह युक्ति जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, समझ गए। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्या है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए कि जिस पथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये रास्ता हो गया, यहाँ से इस तार से क्या हो रहा है, विद्युत परिपथ क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो जिस पथ से, देखिए इधर से जा रहा है ना, इधर से जा रहा है इधर, और इसको बल्ब को जला रहा है। तो जिस पथ से धारा का प्रवाह यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई तार है, यहाँ से आपने लाइन जोड़ा और इस तार में जाकर क्या हो गया, इस पथ से इस तार के माध्यम से धारा प्रवाहित होने लगा, तो ये जो चालक तार है ये क्या हो गया, विद्युत परिपथ हो गया, समझ गए। जिस पथ से, जिस रास्ते से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव के लिए कुछ उपयोग में आने वाले प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो देखिए तो विद्युत परिपथ के कुछ अवयव है, जैसे सेल की बात कर ले तो सेल का चिन्ह किस तरह से होता है, तो इस तरह से सेल का चिन्ह होता है, ठीक है ना। सेल का इस तरह से चिन्ह होता है, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए सेलों का समूहन या बैटरी, सेलों के समूहन या बैटरी, देखिए बहुत सारे सेल लगाकर एक सेल बनाया, बैटरी बनाया गया है। बहुत सारे सेल लगाकर क्या किया गया है, एक बैटरी तैयार किया जा रहा है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सेल लगाकर एक क्या किया जा रहा है, बैटरी तैयार किया जा रहा है। तो सेलों की समूहित व्यवस्था को बैटरी कहा जाता है। चालक तार, तो कोई भी इस तरह से एक तार खींच दीजिए, वो चालक तार हो गया, ठीक है ना, चालक तार का चिन्ह हो गया। तार संधि, तो देखिए कोई भी तार जो होता है, एक दो तार को लेकर ऐसे जोड़ते हैं ना, तो ये क्या हो गया, तार संधि का चिन्ह हो गया। खुली प्लग, देखिए जब प्लग खुला रहता है ऐसे खोल देते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से खुली रहती है। अगर यही बंद की बात करता तो बंद इस तरह से हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। जब बंद करते हैं तो यहाँ नॉट का एक चिन्ह आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसमें और भी कुछ चिन्ह है, प्रतीक है, उसको देखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे खुली स्विच बोल रहा है। तो स्विच क्या है, खुला है, तो देखिए यहाँ पे शटर नहीं है, ये खुला स्विच का चिन्ह है, ठीक है। अब ये देखिए बंद स्विच, बंद स्विच यानी कि देखिए ये सट गया है, यहाँ पे सट गया है, यानी कि ये बंद स्विच का चिन्ह है। ये बंद प्लग खुंजी, जो प्लग खुला था तो ये बिंदु नहीं था, जब बंद हो जाएगा तो ये बिंदु दिखाना पड़ता है, ये बंद स्विच का चिन्ह है, ठीक है, बंद कुंजी का चिन्ह है, ठीक है। अब ये बिना तार, बिना संधि के तार क्रशिंग, अगर मैंने बिना ज्वाइंट नहीं है तार और क्रश किया, तो ऊपर से क्रश कर देता है, तार के ऊपर से देखो क्रश किया गया, ठीक है। बल्ब का देखो इस तरह से फिलामेंट का जो होता है चित्र यानी कि चिन्ह बना दिया जाता है बल्ब का। एमीटर देखो, एमीटर में ए लिख करके प्लस माइनस दिखा दिया जाता है। वोल्टमीटर भी लिख कर प्लस माइनस लिख कर दिखा दिया जाता है। प्रतिरोधक को हम लोग इस तरह से डिनोट कर देते हैं, चिन्ह बना देते हैं, ठीक है। ये सब परिपथ में उपयोग में आने वाले कुछ चिन्ह थे अव्यय का, जो हमने आपको बताया। अब आगे देखते हैं,
तो आप देखिए दोस्तों क्या बताया गया है, विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा की प्रबलता क्या होता है, तो किसी चालक तार से, किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट के को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का एक परिमाण को ही क्या कहा गया है, विद्युत धारा की प्रबलता। समझ गए, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से ऊपर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, याद रखेंगे। और एमीटर क्या होता है, तो जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहते हैं। जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। इसे किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब एमीटर को किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, किसको, एमीटर को। अब हम पढ़ेंगे वोल्टमीटर। ठीक है, तो वोल्टमीटर क्या होता है, तो इसी तरह से वोल्टमीटर का भी परिभाषा है। अब देखिए दोस्तों क्या है, तो वोल्टमीटर क्या होता है, तो जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत परिपथ की दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। ठीक है, जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, तो इसे किसी विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखेंगे, समानांतर क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में। ठीक है, चलो एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर भी देख लेते हैं, ये भी वीवीआई क्वेश्चन आता है। तो एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर इस प्रकार है, देखिए एमीटर एक तरफ वोल्टमीटर। एमीटर में एक नंबर यह धारा की प्रबलता को मापता है, वोल्टमीटर यह दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। इसका दो नंबर एमीटर का यह विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यह विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका स्केल एम्पियर ए में अंकित रहता है, इसका स्केल वोल्ट वी में अंकित रहता है। तो इसमें हमने इतना पॉइंट को बताया, अब अगले वीडियो में अगले पॉइंट को लेकर आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।